घाघरा नदी के बाढ़ और कटान का अधिकारियों ने लिया जायजा। जिलाधिकारी द्वारा घाघरा नदी के दाएं किनारे पर स्थित कटान की दृष्टि से संवेदनशील गांव गोलो कुंडर फौजदार पूर्वा का निरीक्षण किया गया एवं कटान से बचाव हेतु हर संभव प्रयास के निर्देश दिए गए एवं ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट करने हेतु सलाह दी गई। मौके पर मौजूद रहे मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह और पुलिस प्रशासन पूरी टीम के साथ मौके की जांच की। खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गौलो कोंडर के मौजूदा प्रधान विनोद कुमार यादव और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि जल्द ही कटान को रोकने की कृपा करें। घाघरा नदी में बहुत से घर कट गए हैं, बाकी कटान जारी है। 2010 से 2021 तक कटान जारी रहा है। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा तो अभी हजारों घर कटने की संभावना लग रही है। इसलिए जो कट गया वह कट गया, अभी से ध्यान दीजिए और बांधने की कृपा करें ताकि जो घर बचे हैं वह सही सलामत रहें। जो लोग कटान से पीड़ित हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कराने की कृपा करें। एक तरफ कोविड-19 में लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ घाघरा नदी की लहरें अपने अंदर लोगों को समा रही है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, एक तरफ जान का खतरा है। बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि कटान की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि 5 मीटर की दूरी पर बराबर घरों को तोड़ा जा रहा है, घर गिर रहे हैं नदी के अंदर। कोई संभावना नहीं लग रहा है कि ये गांव बच सकता है। आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र में, खराब है।